साथ क्यों नहीं रह गई? साथ चल, साथ चल, चल हमारी आज की घटना से ये साबित होता है कि इन केस हमारे घर पे कोई अटैक हो जाता है, टिंगू हमारी कोई मदद नहीं करेगा। 10 घंटे तो उसको एक्टिवेट करने में लग गया और 10 घंटे के बाद ये यहाँ पे भाग के आया है। सो विद दिस गाइज वी स्टार्ट आवर व्लॉग टुडे। वी वेलकम यू ऑल इन आवर न्यू व्लॉग टुडे एंड आई होप कि आप सभी लोग भी बहुत मस्त होंगे। पीछे के बैकग्राउंड को प्लीज इग्नोर करें एंड बहुत मजे कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, कपड़े तो सबके घर में होते हैं। Here we go. अच्छा, तो फिर हम लोग अभी नहा चुके हैं सुबह उठ के। आज तबीयत में थोड़ा सुधार था इसलिए जितने भी गंदे कपड़े थे जुखाम के, सबसे पहले तो मैंने वो धोए हैं और क्लीन करके, और सारा हमने लंच वंच कर लिया। टिंगू के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे क्योंकि शायद कल हम दिल्ली जाएंगे। अब जाएंगे कल जाएंगे, उम्मीद है, मतलब 90% प्लान है कि हाँ जाएंगे, 10% इधर उधर हो सकता है। सो अभी के लिए इतनी अपडेट है, अभी के लिए इतनी ही अपडेट है कि कल जाएंगे। इसीलिए आज मैंने अपने कपड़े धोने का काम ख़त्म कर दिया है क्योंकि यार कुछ इनर्स वगैरह है जो चाहिए सर्दी में डेली पहनने के लिए, वो गंदे हो गए थे। और अभी कल की तैयारी करते हैं कि कल चलेंगे। बाहर रखा हुआ था ब्लैंकेट धूप में यहाँ पे, अभी इसको मैं लेके जाता हूँ अंदर और वापस रख देता हूँ। भाई साहब, आपको बहुत धूप लग चुकी है, प्लीज़ आप अभी अंदर चलिए यहाँ से। तो इसको लेके चलते हैं अभी यहाँ से अंदर। ब्लैंकेट अभी अंदर आ चुका है हमारा, तो ब्लैंकेट मैंने अंदर रख दिया है और धूप इसलिए लगाई है क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बीमारी में इसको यूज़ कर रहे थे और धूप लगाने से इसके कुछ जम्स होंगे तो वो यहाँ ये डिसइनफेक्ट हो जाएगा। एंड ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस पर सैनिटाइज़र भी स्प्रे कर दूँगा। खा लेंगे एप्पल, कोई नाराज़गी नहीं है हमें किसी भी एप्पल से, कहीं भी बैठ के खा लो क्योंकि थोड़े से ठंडे होते हैं। ठीक है, एक बार मैं पहले ना अंदर लाइट बंद कर दूँ। बिजली बचाओ, बिजली बचाओ, पर बिजली बचाओ। तो अभी है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस अनाउंसमेंट में ये बताया गया है कि अब जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बेस्ड लगेंगी, कोल डीजल वाली जो होंगी उन लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी। अब नई जो होंगी, जो पहले से लगी हुई हैं वो लगी रहेंगी, लेकिन जो नई है उनको परमिशन नहीं। दरवाज़ा है ना, हाँ, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर से बिल्कुल सामने से आती है इसके ऊपर धूप। दूसरा ये है मेन डोर, ठीक है, जो मेन डोर होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा इम्पेक्ट आता है हर चीज़ का, और ये धूप की वजह से इसकी आधी पॉलिश तो उड़ी हुई है। यहाँ चमक रहा है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे छूने पे भी अलग है, स्मूथ होगा बिल्कुल ना, तो थोड़ा सा वो है रफ सा, चमकने वाला रफ नहीं होगा वो वैसे ही लग रहा है तेरे को, जहाँ उतरा है ना वो ज्यादा चिकना है देखिए, पता नहीं यार मैं पूछूं कि देख। हाँ, और ये जो नीचे वाला निशान है ना, ये तो पहले जो था ना कालिया, ये उसके पैरों के निशान है, वो पैर मार के दरवाजा खोल लेता था। हाँ, बेचारा बाहर बैठा हुआ है, इसको बांधा हुआ है क्योंकि ऊपर कपड़े सुखा रखे हैं, अगर इसको खोल दिया तो सारे कपड़े खराब कर देगा ऊपर जितने भी हैं, इसीलिए इसको बांध के बैठा रखा है। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद कपड़े उतार देगा, फाड़ देगा, 10 टुकड़ों में बदल देगा। हाँ, अगर आप इसको एक जींस दोगे ये आपको बदले में 2 से ज़्यादा ही देगा वापस, इसीलिए इसको बांध के रखा है क्योंकि इसकी हाई प्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए। जो हमारा पहले वाला डॉगी था वो दरवाजे है ना अपने पैर मार मार के ना अपने आप खोल लेता था, उसको ना हमने सिखाया था ना कुछ, उसको किसी ने ट्रेन किया था, लेकिन अपने आप खोल लेता था सारे के सारे दरवाजे। घर का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था जो उसको खोलना नहीं आता था, एक एक दरवाजे को आराम से खोल के अंदर भी आ जाता था और उसको अगर बाहर जाना है तो बाहर भी चला जाता था। बस मेन डोर का जो दरवाज़ा था वो उसकी रीच से बाहर था इसलिए वो नहीं खुलता था। लेकिन लोग बिलीव नहीं करेंगे इस बात के ऊपर, लेकिन ये सच है क्योंकि हमने तो उसको अपनी आंखों से देखा है। उस टाइम हम ये रिकॉर्डिंग ऐसे करते नहीं थे, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता उसकी भी। एक्चुअल में उसको जरूरत होती है ना तब तो खोल देता है। ओ माय गॉड, मैं यहाँ लेटी हूँ नीचे फर्श पे धूप में, और देखो टिंगू ने कहा घुसा हुआ है, मैं दिखाती हूँ, दिख रहा है ऐसा कैमरे में? नहीं, ये सोफा है ना,
इसके पीछे टिंगू है, हाँ दिख रहा है ना, वो देखो, मैं इस कोने में, टिंगू उस कोने में। मैंने तेरे को बताया था ना कि स्कूटी की सर्विस में कम से कम 3 घंटे लगेंगे, और शुक्र कर कि गाड़ी की सर्विस नहीं थी। अगर गाड़ी की सर्विस होती तो मैं सुबह 9 बजे जाता और शाम को 5 बजे जाते, मतलब उनकी छुट्टी का टाइम होता तब जाके वो गाड़ी को छोड़ते। अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, वहाँ पे अगर मारुति एजेंसी में अगर आपने गाड़ी छोड़ दी और उनको बोला कि आप मेरी गाड़ी में वो वाला इंजन ऑयल डालना जो सबसे बेटर है, वो ऑप्शन देंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। मतलब ऑप्शन 1 का प्राइस होगा 1000, 2 का होगा 1500, 3 का होगा 2000। आप उसको बोल के आना 2000 वाला डाल दे, ठीक है 2000 वाला डाल दे, छोड़ के आ जाना। वो पता है क्या करेगा, 2000 वाला तो उसके कोई जान पहचान का क्या ना, उसके में डाल देगा और उसका 1000 वाला आपके में डाल देगा और आपसे 2000 ले लेगा। प्रॉपर एजेंसी है, बिलिंग है पूरी प्रॉपर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो जाता है वहाँ पर। इसी भाई जब इंजन ऑयल डालेगा तो मेरे सामने डालेगा, फिल्टर डालेगा तो मेरे सामने डालेगा, इस तरीके से करवाना पड़ता है। छोटी सिटीज है ना, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, छोटी सिटीज में वहाँ टिंगू चालू हो गया। हाँ लेकिन टिंगू छोटी सिटीज का भी बादशाह है, सब नीचे आ गए हैं। टिंगू को पता लग गया कि अभी यहाँ पे बिस्कुट का पैकेट खुलने वाला, आदान प्रदान होने वाला है। बहुत ही समझदार डॉगी हैं ये, आगे गेट पे खड़े हो गए हैं। अभी सबसे पहले इनको टोकन दिया जाता है, फिर अपने पास टोकन रखा जाता है, तो मैं इसको एक टोकन दे के आता हूँ, देन फिर अपनी कॉफ़ी पीते हैं। और आज इनको मैं घुमा के लेके आऊँगा, आधी से नीचे रखनी है, शाम को नहीं चाहिए मेरे को ज़्यादा, शाम को कम कॉफ़ी, क्योंकि फिर रनिंग के टाइम पर ना पेट में उछलती रहती है। मैंने ना टिंगू को बना रखा है हरियाणवी डॉगी, उसको हरियाणवी में अगर आप कमांड दोगे ना तो उसको बहुत जल्दी समझ में आती है। इंग्लिश और दूसरी भाषा नहीं समझ आती, उसको कुछ नहीं आता, उसको बोलोगे ना अप जंप, अप दस बार में एक बार ही बोल दियो टिंगू कैच, उसके बाद देखियो तुम। ओ उसने यूं सिग्नल नोट कर रखे हैं, ये ऐसे सिग्नल ही होते हैं, ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं जब उसको जंप के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ ना जंप, तो जंप भी करता है। अभी तो बेचारा बूढ़ा हो गया, अगर तू होता ना वो अपने जब यंग स्टेज पे था, वो उसके ऊपर चढ़ गया ना मेरे ऊपर से जंप मार जाता। मेरे पास उसकी वीडियो भी है, अगर मेरे पुराने लैपटॉप में मिली ना मैं जरूर दिखाऊंगा वो वीडियो। ऐसे बाकी मेरे ऊपर से जंप मार गया, हाँ मतलब उस टाइम पे इसका वेट भी कम था और बहुत जबरदस्त एक्टिव था, क्योंकि इसके कुछ लाइव अटैक्स हमने देखे हैं। करेंगे हमारा दोपहर को बिल्ली की मार्केटिंग। अरे भैया हमारा टिंगू है, हमारा रोमियो है, लोगों के कुत्ते कुत्ते नहीं, साडा कुत्ता कुत्ता नहीं। मैं किसी के दूसरे की बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो दूसरे की बुराई नहीं कर रहा भाई, मैं तो एक ब्रीड की कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर एक डॉग की नहीं कर रहा, मैं तो ब्रीड की बता रहा हूँ भाई। इंडियन मैस्टिफ हमारा इंडिया का, बुल मैस्टिफ हमारा। अरे सीरियस जा रहे हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ, साडा कुत्ता कुत्ता ते तोडा कुत्ता टो, हंसने वाली बात है, सभी हंसो हंसो हंसो।